नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश काकड़े। क्रोपफील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं समीर फंगीसाइड के बारे में। आज अपन जानेंगे उसकी टेक्निकल नाम, उसकी डोज और उसको उपयोग कौन कौन से क्रोप में काम कर लेता है और कौन कौन से फंगीसाइड को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, उसकी रेट के बारे में और उसकी सावधानी जानेंगे। इसके अभी सबसे पहले टेक्निकल नाम के बारे में, तो इसका टेक्निकल नाम होता इसका टेक्निकल नाम है टेबुकोनाजोल 6.7% है, प्लस कैप्टन 26.9% है। एससी गाढ़ा फॉर्म में आता है। एससी का मतलब होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। जान लेंगे डोज के बारे में। तो फ्रेंड, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अपन इसके डोज के बारे में जान लेंगे। इसके डोज है 30 ml 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना चाहिए। अगर इसकी एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में 250 से 300 ml स्प्रे करना चाहिए, 150 से 200 लीटर पानी के साथ में। हाँ, इसके साथ में अगर आप एनपीके या कीटनाशक या तो फिर उसके साथ में टॉनिक भी मिला सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके उपयोग के बारे में जान लेंगे। तो ये कौन कौन से क्रॉप में काम कर लेता है, तो ये सोयाबीन, कपास, चना, मसूर, मिर्ची, टमाटर, आलू, गोभी, फूलगोभी, पपीता, सेब अंगूर में भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेता है। और फिर आना बात कर लेंगे ये कौन कौन से फंगीसाइड पे ये कंट्रोल कर लेता है अच्छे तरीके से, अपन इसके बारे में जान लेंगे। तो ये पाउडरी मिल्डो, रस्ट, स्कैप, एंथ्राकनोसिस, अर्ली ब्लाइट और फ्रूट रूट और लीफ स्पॉट, इस तरीके का फंगीसाइड को अच्छी तरीके से ये कंट्रोल कर लेता है। और ये लगाने से ये मैं आपको जो फंगीसाइड बताया है वो फंगीसाइड आराम से कंट्रोल कर लेता है, ये 100% कर लेता है। किसी को लगता है, कोई बोलता है कि उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन ये काम कर लेता है। लेकिन आपका जो मारने का तरीका, आपकी स्प्रे करने का तरीका अलग अलग होता है। इसके वजह से कोई क्या करता है कि कोई थोड़ा ज़्यादा डाल लेता है, कोई कम कर लेता है, तो इसके वजह से अलग अलग इसका रिजल्ट आता है। किसी को तो 100% मिल जाता है, तो किसी को थोड़े बहुत ही मिलता है, या किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, रिजल्ट है इसका, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे जन किसान आए हैं, मुझे बता के गए हैं, उनने बोला भी है कि इसका रिजल्ट अच्छा है बोला। और चलिए इसके रेट के बारे में बात करेंगे। तो इसका रेट अलग अलग प्राइस होता है, क्योंकि हमारे अलग है, आपके यहाँ पर अलग है, अलग अलग शहर में अलग अलग रेट होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर ये लगभग 1000 से 1100 रुपये के बीच में आराम से मिल जाता है। लेकिन इसके थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसका प्राइस। और अगर चलिए इसके अगर सावधानी की बात करें, स्प्रे करने के समय में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो आपको पहले के वीडियो में भी बताया मैंने कि स्प्रे करने से पहले ज़मीन में थोड़े बहुत नमी होना ज़रूरी है। कोई भी फंगीसाइड हो या फिर कीटनाशक हो या फर्टिलाइज़र हो या कुछ भी हो, खेत में नमी होना ज़रूरी है, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके सावधानी के बाद, अभी स्प्रे करने के समय पर आपको पहले भी बताया है कि पेट भरकर खाना खा लेना है आपको, और उसके बाद में स्प्रे करने जाना है, ठीक है। और दूसरा, आपको स्प्रे करने से पहले हाथ में ग्लव्स, मुंह में मास्क और पैर में जो लंबे जूते आता है, जो करीबन 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाता है, ऐसे सेफ्टी सबसे पहले रखना, उसके बाद में स्प्रे करना और सेफ्टी लेके ही स्प्रे करना। और इसका वैसे साइड इफेक्ट की बात करें तो कुछ भी साइड इफेक्ट है, सभी क्रॉप में चल जाता है, आपको बताया ही है मैंने ऑलरेडी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं अपने सेल्क्रॉन के ऊपर। सेल्क्रॉन कौन कौन से कीट को कंट्रोल कर लेता है, अपन उसके बारे में जान लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
उसके बाद अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।